ये इस टाइम मॉर्निंग का टाइम है और तकरीबन 7:45 हो रहे हैं और हस्बैंड को मैंने जॉब पे भेजा है, तो उसके बाद बच्चे जो हैं और अब बस बच्चों को जगाया, तो इन्हें ब्रेकफास्ट बना के दूंगी और साथ साथ ही बिस्तर उठाएंगे। तो चलें दिन के रूटीन का आगाज़ करते हैं। और रात को खूब बारिश हुई है और इस टाइम काफ़ी फ्रेश एहसास हो रहा है, दिन हो गया सुबह सुबह, लेकिन यह है कि धूप निकल आई है आज। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इस टाइम ठंडी ठंडी हवा चल रही, और ये देखिए धूप निकल आई है। अब बस बिस्तर वगैरह थोड़ा धूप में डालूंगी आज और साथ साथ घर की क्लीनिंग करूंगी। और ये देखिए रात को काफ़ी बारिश हुई है तो अभी मैंने क्लीनिंग करनी है। ये भी बारिश का पानी और काफ़ी मतलब मिट्टी वगैरह, क्योंकि पहले आंधी की तरह काफ़ी था तो फिर उसके बाद बारिश हुई है, तो अभी मैंने वॉशिंग करनी है। ये देखें कितने ज़बरदस्त प्लांट बड़े हो गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है इनको देख के कि बहुत कम ना मेरे से पौधे वगैरह लग रहे होते हैं, तो माशाल्लाह सही बड़े हो गए। और ये मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में अंडा और ब्रेड बनाऊंगी, और ये चाय रेडी हो गई। आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मैंने बड़ी कड़क सी चाय बनाई है तेज पत्ती वाली। ब्रेकफास्ट में बच्चे लाजमी मेरे साथ चाय पीते हैं, तो उनके लिए भी डालती हूँ। और ये देखें रज़ा इस टाइम मेरे साथ फुल हेल्प आउट करवाता है, और क्योंकि मैंने इनको भी इस चीज़ की ना बहुत आदत डाली हुई है कि हर चीज़ समेट के रखनी है। क्लीनिंग का काम करते हुए अगर आप कोई काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अपनी बुक्स, हर चीज़ एक जगह समेट के रखनी। अब ये मुझे देखता है ना कि मैं क्लीनिंग करती हूँ रूटीन से, तो कभी मैं नहीं भी एक दिन छोड़ भी देती हूँ डस्टिंग, क्योंकि एक्स्ट्रा और इतने काम होते हैं। तो बस कपड़ा लिया और उसने मेरे साथ डस्टिंग स्टार्ट कर दी। मामा आप किचन का काम करें, मैं डस्टिंग करता हूँ। ये देखें सर तो बिल्कुल मेरे अंदाज से करता है काम, हर चीज़ को डिसिप्लिन के साथ समेट के रखता है। अच्छा ये इस टाइम घर की क्लीनिंग से मैं फारिग होगी और अब आराम से थोड़ा बैठ गई हूँ, मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर। और ये देखें बच्चे अपना पढ़ रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं। अच्छा जब से मतलब इस घर में मैं शिफ्ट हुई हूँ ना, तो मतलब ईजी हो गया, एक दफ़ा सारा घर समेट लिया, उसके बाद सिर्फ जो है वो झाड़ू लगाती हूँ और मोप लगाती हूँ, बस जल्दी क्लीनिंग जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है। और अभी केबल नहीं लगी है हमारी, क्योंकि हस्बैंड का काफ़ी मतलब बिजी रूटीन चल रहा है, तो वो फ्री होंगे तो फिर वो कह रहे थे मैं केबल ना लगवा दूँगा। तो ये है कि बहुत कम, वैसे तो मैं पूरा दिन बिजी रहती हूँ, नई टीवी में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है मुझे तो, लेकिन यूएसबी में कार्टून बच्चों को लगा देती हूँ किसी टाइम जब वो
तंग कर रहे होते हैं या बोर हो जाते हैं रूटीन से। और ये इस टाइम दोपहर का टाइम है और रात को अच्छा ये देखें जी, ये इस्मा ने रुमैसा का और महा का, ये देखें कितनी ज़बरदस्त कुर्तियाँ सिलाई की हैं टाइट्स के साथ। और ये देखें अच्छा माशाल्लाह, अभी इसने तकरीबन एक महीने में ही सीखा तो बहुत नीट सीने लग गई। ये मार लो यहाँ से, ले इसमें वाइट वाला डोंगा ले लो जी। और चमचा पर निकाल लिए ये देखिए जी, अभी ये मैंने अबाया लेके दिया इस्मा को, तो मैंने तो कभी नहीं यूज किया, मैं चादर ही यूज करती हूँ। मैंने कहा इस्मा लाओ मैं पहन के चेक करती हूँ मुझे कैसा लगता है। मुझे बहुत पसंद आया, इसका मटेरियल इतना ज़बरदस्त है ना अबाए का। तो मैंने प्लेन लिया है, मुझे वो मोती वगैरह और वो पता है चुभते हैं और इस तरह, मुझे प्लेन अच्छा लगता है। मैंने कहा ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अब स्टॉलर लेके देना था लेकिन उनके पास बहुत एक्सपेंसिव थे स्टॉलर, तो इंशाल्लाह मैंने इसको बोला, मैंने कहा बाबा के साथ जाना तो फिर लेके आना जाके, यहाँ जो लोकल मार्केट है यहाँ पर बहुत महंगी है। अच्छा तो व्यूवर्स, ये इस टाइम अब रात का टाइम हो गया, बच्चे सो गए, तो मैंने सोचा कि अपने व्लॉग का एंड कर लूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में और आपके साथ इंशाल्लाह अर्ली मॉर्निंग व्लॉग स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।